चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज नगर पंचायत कुंडा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुमन साहू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग जनसंपर्क किया। कबरियागंज स्थित कार्यालय से शुरू हुआ जनसंपर्क मेन चौराहा सरयू नगर भगवान तिराहा अस्पताल तिराहा होते हुए भाजपा कार्यालय पर आकर संपन्न हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता खासा उत्साह में अपनी जीत का दावा करते दिखे। आइए सुनते हैं। डॉक्टर साहब, किन मुद्दों पर आप नगर पंचायत कुंडा का चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीतती हैं तो क्या करेंगी कुंडा के लिए? हमारा मूल प्रयास है कि मैं सबसे पहले कुंडा में सीवर लाइन ले आऊं। अगर जीतती हूं तो कुंडा के सम्मानित जनता मुझे इस चेयरमैन पद पे अगर लाते हैं तो मैं सबसे पहले सीवर लाइन के लिए ज़रूर प्रयास करूंगी कि हमारे कुंडा में सीवर लाइन का विकास आ सके। और उसके अलावा जो भी जितनी सरकार की योजनाएं हैं जो अभी तक सिर्फ कागजी रह पाई हैं, ज़मीनी स्तर पर नहीं काम हो पाया है, उन योजनाओं को जन जन तक उनका लाभ पहुंचा सकूं। बाकी जो यहाँ की बजबजाती नालियाँ, सड़क, टूटी फूटे सड़क, जर्जर तार, यह सब जो अव्यवस्थाएँ हैं इनको दूर कर सकूँ। अभी तक आज प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा, तो अभी तक आप लोग जितना प्रचार किए उसमें कुंडा में किस प्रकार आपको जन समर्थन मिला? कुंडा में हमें बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। कुंडा की जनता अपने छत पे निकल निकल के हम लोगों का अभिवादन कर रही है कि इस बार हम कमल के फूल पर ही वोट देंगे। दूसरी बात, जो और भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी मूल प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं, ना हमारे पत्रकार बंधुओं के सामने आकर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जीतने के बाद वो क्या करेंगी, कैसे करेंगी, कुर्सी पे उनके कौन बैठेगा, ये नहीं पता चल रहा। कुंडा में तो वो चुनाव क्या लड़ रहे हैं, जनता को चूतिया बना रहे हैं वो लोग। अब विकास, यहाँ तक विकास का मुद्दा है, तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी करने के लिए जो है वो बिल्कुल हमको तो नहीं लग रहा है कि वो कर पाएंगे, इसलिए कि केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कुंडा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो जितना हम धन चाहेंगे कुंडा के विकास के लिए उतना धन आएगा और बहुत ही तेज़ी के साथ कुंडा का विकास होगा। जहाँ भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीतेगा उस नगर पंचायतों में विकास नहीं होगा? वो विकास तो होगा, लेकिन अब जो जीतेंगे वो विकास करना चाहेंगे तो कागज पे विकास कर लेते हैं, पैसा धर लेते हैं अपने जेब। तो भ्रष्टाचार का होता आया है, तो मोदी जी भ्रष्टाचार कहाँ से खत्म कर रहे हैं आप ही? मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अफसर भी सस्पेंड हो रहे हैं अगर पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार करते हुए, लेकिन जिसको जनता चुन रही है उनको भी तो ये सोचना चाहिए कि हम भी भ्रष्टाचार ना करें, हम भी विकास करें क्षेत्र में, उनको भी तो सोचना चाहिए कहाँ तक गवर्नमेंट उनके पीछे पड़े रही है। सबसे पहले तो प्रचार प्रसार के विषय में मैं ये कहूँगा कि इसके पहले कुंडा में जब भी चुनाव होते थे, कोई चुनाव हो, तो लोग निकल नहीं पाते थे, कार्यालय खोलना मुश्किल होता था। इतने सारे लोग आप देख रहे हैं, बहुत सारे चुनाव आप लोगों ने कवर किया है, विवादित चुनाव, अविवादित चुनाव बहुत सारे किए हैं, तो जो इतनी संख्या में इतने सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसके शासन में, प्रशासन में और ख़ास करके हमारे सांसद विनोद सोनकर जी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने कुंडा बाबागंज में लोगों को उठने बैठने, प्रचार करने, पर्चा दाखिल करने और स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के लिए उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा कदम उठाया और उस पर सारा कुछ दिख रहा है। जनसत्ता, सपा, भाजपा तीन लड़ाई लड़ रही है जी, इसमें आप कहाँ देख रहे हैं, मतलब ऐसा क्या फैक्टर दिख रहा है कि आप अपने को आगे मान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की रही हो, चाहे बच्चों के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, घर गृहस्थी के लिए हो, या किसान सम्मान की है, इलाज के लिए, स्कूल के लिए, बस तक, तो इतना सारा काम करने के लिए हम वैसे भी सबसे ऊपर आ जाते हैं। लगातार लेवल पर कहाँ देखते हैं अपने आप? बूथ लेवल पे हम लोगों का गठन हुआ है, बूथ लेवल पर हम लोगों के एक एक सदस्य बनाए गए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी बूथ से चुनाव लड़ने वाले हैं, पदाधिकारियों के बदौलत नहीं, कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अब कुंडा में जनसत्ता पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव में, बस ये है कि जो पिछली बार चुनाव में जनसत्ता पार्टी का चेयरमैन था, आज वो समाजवादी पार्टी के चेयरमैन है। इसके पहले 3 बार 2.5
बार नहीं, उस समय जनसत्ता दल का गठन ही नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के समर्थन से जो लोग जीतते हैं, अब चूंकि पुरानी बात हो गई तो जिसके साथ रहेंगे उसका नाम लिया जाएगा, तो जो पोस्टर बैनर लगते थे, तो दो बार गुलशन यादव और सीमा यादव जो पिछला दोनों चुनाव लड़े हैं वो राजा भैया के नेतृत्व में लड़े थे। इसके पहले तीन चुनाव, ढाई चुनाव बबलू सिंह थे, बीच में श्री कुमार जी चुनाव जीत के आए थे। तो यहाँ जनसत्ता पार्टी चुनाव लड़ती रही है। क्या क्या इस चुनाव में जातिगत फैक्टर भी चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे योगी जी और मोदी जी ने जाति धर्म से हट करके राजनीति शुरू किया है, लोगों को समाज का जो काम किया है, कोई भी चाहे विकास का हो जो भी हो, सब जाति और धर्म से हट के लिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है उसमें। नहीं, जीत हार तय करने में जातीय गुणागणित राजनीति उसमें बड़ा चलता है, अंदर भीतर खाने में इसकी गिनतियाँ होती है, इतना इतना। तो क्या ये भी भाजपा में भी चल रहा है? ना ना, भाजपा ऐसा कभी कोई काम कर नहीं। यहाँ पर भाजपा को सभी धर्म का, सभी वर्ग का, सभी समाज का, सबका वोट मिलेगा। नहीं, ऐसा अन्य पार्टियाँ भी दावा कर रही हैं कि हमारे साथ ये वर्ग वो वर्ग सबका वोट है। आप किसके भरोसे चुनाव में जीत का दावा करें? देखिए, समाजवादी का पूरा देश जानता है कि वो कहाँ पर किसके ऊपर राजनीति करते हैं, उनके लिमिटेड हैं, और भी जो पार्टियाँ हैं वो भी सीमित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे भारत देश में है, वो असीमित है, वो सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और सुनिए, हमारी ही केवल भाजपा के एक प्रत्याशी हैं कि जो महिला सीट होने के बाद महिला चुनाव लड़ रही है, और बाकी पार्टियों में केवल पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं। और देख लीजिएगा, हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतेगी, कमल खिलेगा, और वो चेयरमैन की सीट पर वही बैठेंगी। आज तक इतिहास एक कायम होगा, और भविष्य में और किसी से आप अपेक्षा न करिए कि वो चेयरमैन अगर आप बना देंगे तो वो नहीं बैठेगी, उनके कोई ना कोई पति बैठेंगे या उनका कोई ना कोई याका बैठेगा। हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कैसी प्रत्याशी हैं कि वो खुद सेल्फ डिपेंड होकर के, चूंकि योग्य हैं, योग्यता में भी आप अगर तुलना कर लीजिए तो कहीं उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। डॉक्टर हैं और सौम्य हैं, सबकी समस्याओं को समझती हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि महिलाएँ भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जिस मोहल्ले में जाती हैं महिलाएँ सब गले मिला लेती हैं। आप देखिए, पूरा पता कर लीजिए, पूरे महिलाएँ इनसे प्रभावित हैं, और महिलाओं को और इनको लगभग 100% मिलने वाला है। कोई भी हो सकता है, पुरुष कहीं कुछ किसी को, लेकिन महिलाओं में कोई समझौता होने वाला नहीं है। क्या इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन एकदम परिपूर्ण तरीके से होगा, और उसके बाद आम जनमानस जो हमारे कुंडा के नगरवासियाँ हैं उन वो सब एकदम खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। और आपने अभी विकास की बात की, तो अदर पार्टियाँ जो यहाँ पर आकर मतलब जीतती हैं या विकास करने की बात कहें, तो वहाँ अगर किसी को आवास मिलता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, अगर किसी किसान को अगर योजनाएँ मिलती है तो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी द्वारा मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी द्वारा मिल रहा है, यानी देश और प्रदेश में जो विकास हो रही हैं वो भाजपा ही द्वारा हो रही हैं। तो इसलिए तो विकास की कोई बात ही नहीं है, तो भाजपा ही तो विकास कर रही है, और कौन सी पार्टी विकास कर रही है? और पार्टी के लोग आते हैं तो विकास का क्या